हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शौर्य और बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है शौर्य कंप्यूटर्स। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं एक एक्सेल शीट के अंदर भी फोटो को। तो यहाँ पर ये टॉपिक बहुत ज्यादा कमाल का है और बहुत लोग इस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए गाइज, यहाँ से हम अपनी कोई फाइल ओपन कर लेते हैं जिस फाइल पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम एक फोटो को अप्लाई कर सकते हैं अपनी इस फाइल पे। अगर देखिए, अभी ये फोटो बिल्कुल सिंपल है और अगर हम इसका Ctrl F2 से प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं तो देखिए कुछ प्रिंट प्रीव्यू में इस तरीके का आएगा। एक मिनट आ जाने दीजिए, शीट बदल गई। तो देखिएगा इस जो अगर इसका प्रिंट प्रीव्यू आप देखेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू में आपको कुछ इस तरीके का ये दिखाई देगा। आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट पेज पर पे शीट जा रही है, तब भी सिंपल है। बट आप चाहते हैं कि इसमें एक फोटो लगी हुई आनी चाहिए जिसकी फोटो की वजह से ये काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आज मैं देखते रहिए वीडियो को, आज मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा किस तरीके से शीट में फोटो को अप्लाई करते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां से जाना है इंसर्ट ऑप्शन में। इंसर्ट में जाने के बाद आपको दिखाई देगा हेडर एंड फुटर। आप देख सकते हैं यहां पर हेडर एंड फुटर पे जाना है। मैं एक सेकेंड यहां पर एरोज ओपन कर देता हूं। तो देख सकते हैं यहां पर आपको जाना है हेडर एंड फुटर पर। तो हेडर एंड फुटर पे जाने के बाद जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पार्टीशन पे आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ से जो कि एमएस वर्ड के पेजेस में कन्वर्ट हो गया है। नॉर्मल करने के लिए आपको जाना है यहाँ नीचे, आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। देखिए ये वाला जो पार्ट है इधर ध्यान दीजिए। अगर हम इसको नॉर्मल कर देंगे कुछ इस तरीके से तो ये नॉर्मल शीट में भी कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, और अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एमएस वर्ड के पेज में। तो यहाँ से नॉर्मल करा था और जैसे ही हम इंसर्ट में जाके क्लिक करेंगे हेडर फुटर पे तो ये एमएस वर्ड पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो आप ये वाला एरिया देख रहे हैं, इस एरिया में मान लीजिए हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं बिल, और जैसे मैंने बिल लिखा देन बाहर क्लिक करके यहां से आप इसे नॉर्मल कर दीजिए। देखिए आपको यहां तो नहीं दिखाई देगा मैंने क्या क्या लिखा है, लेकिन अगर आप Ctrl F2 से प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो आपको यहां पर ये बिल ऑप्शन जरूर दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहां पर, मे बी आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए बिल यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब जो हमारा हेडर फुटर है वो वर्क कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जहां पर ये एरिया आता है हेडर का आपको इस पे क्लिक करना है। देन यहाँ जाना है फिर डिजाइन ऑप्शन पर। आप ऊपर देख सकते हैं आपको डिजाइन पे जाना है। डिजाइन पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है पिक्चर पर। यहाँ देखिए पिक्चर ऑप्शन है, पिक्चर पे क्लिक करना है। देन पिक्चर पे क्लिक करना है वर्क ऑफलाइन, यहां से फ्रॉम फाइल। मान लीजिए मेरे को अपनी ये वाली पिक्चर अप्लाई करनी है और मैं यहां से इंसर्ट कर देता हूँ, और जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूंगा देखिए वो पिक्चर अप्लाई हो जाएगी। पिक्चर अप्लाई होने के बाद यहां से देखिए इसको नॉर्मल कर लीजिए। देखिए आपको यहां पर नहीं दिखाई देगा आपने क्या पिक्चर लगाया, बट लेकिन जब आप Ctrl F2 से प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो आपको यहां पर वो शीट दिखाई देगी। देख सकते हैं वो शीट आ चुकी है, अप्लाई हो चुकी है काफी शानदार तरीके से। आप चाहते हैं कि ये जो पिक्चर है थोड़ी लाइट हो जाए क्योंकि काफी ज्यादा डार्क आ रही है, तो डार्क करना बहुत ईजी, सॉरी लाइट करना बहुत ईजी है। आपको दोबारा इसी पॉइंट पे आना है, देन अंदर क्लिक करना है। जैसे आप अंदर क्लिक करेंगे ऊपर डिजाइन का ऑप्शन खुलेगा। अब देखिए यहां से हमने पिक्चर को लिया था लेकिन पिक्चर के बराबर में एक ऑप्शन खुल गया है फॉर्मेट पिक्चर। हम फॉर्मेट पिक्चर पे आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद आपको देखिए दोबारा जाना है पिक्चर पर, एंड देन यहां आप देख सकते हैं इस वाले पार्टीशन पे ध्यान दीजिए। पहले मैंने ये वाला पार्ट लिया, उसके बाद लिया ये वाला। तो अभी आपको यहां पर क्या करना है, इसकी जो ब्राइटनेस है वो कर देनी है थोड़ी हाई। ब्राइटनेस हाई करने के बाद जो इसकी कंट्रास्ट, जो इसका कंट्रास्ट है वो कर देना है लो और ब्राइटनेस कर देनी है हाई। देन जैसे आप ओके करेंगे और बाहर क्लिक करेंगे देखिए पिक्चर लाइट हो जाएगी। और अब यहाँ से इसे नॉर्मल कर लीजिए, यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा बट जैसे आप Ctrl F2 से प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो देखिए पिक्चर आपको लाइट होते हुए दिखेगी। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो हटाना बहुत ज़्यादा ईजी है। दोबारा इसी पार्टीशन पर आइए, यहाँ पर आने के बाद अंदर क्लिक कीजिए इस तरीके से और इसको मिटा दीजिए और बाहर क्लिक कर दीजिए, फोटो हट जाएगी। तो इस तरीके से आप एक्सेल के अंदर फोटो को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये इस तरीके से ऑप्शन देखना अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका भी कोई एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको उसका जवाब जल्दी मिलेगा। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।